स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, जो भी लोग एनेट एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेने वाले हैं, AKU से एफिलिएटेड जो भी नर्सिंग कॉलेज है वहां पे, तो दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट आपके एडमिशन में लगने वाले हैं उन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में दी गई है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो BSc नर्सिंग के हो या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के, तो वो स्टूडेंट देख सकते हैं, उनको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बेसिक BSc नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग जिसको बोलते हैं उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो आपको एडमिशन में लगेंगे। बता दें कि ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद जब आप एडमिशन के लिए जाओगे उस समय आपको ये सारे डॉक्यूमेंट हैं वो देने होंगे। आपको सबसे पहले जिस भी कॉलेज में जाओगे, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, उस कॉलेज का एक अपना एप्लीकेशन फॉर्म आता है, फॉर्म को आपको भर करके जमा करना होगा। दोस्तों, इसके साथ जो भी पेमेंट होंगे वो आपको, अगर डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट लेते हैं तो वो आपको करके देना होगा, या फिर कैश लेते हैं तो फिर कैश आपको देना होगा। उसके बाद जेरोक्स कॉपी चाहिए क्वालिफाइंग एग्जाम एंड सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ, यानी कहने का मतलब है कि आपको 10th का सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन हो, ये डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ के रूप में। तो आप 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है वो लेकर के जाना दोस्तों। उसके बाद में आपको 12th का भी मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वो भी ले लेना, 10th 12th दोनों का। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पेयरिंग वाले होते हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाता है, वो चाहे तो अपना जो एडमिट कार्ड है एग्जाम का वो दे करके एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो देना होगा 12th का। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी SC ST OBC कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उन सारे लोग को कास्ट सर्टिफिकेट है वो देना होगा। उसके बाद में ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो देना होगा, जिसको आप CLC बोलते हैं, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर आप जिसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC भी बोलते हैं, तो ये आपको देना होगा। उसके बाद में जो भी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जाम हो रहे हैं उसका जो रिजल्ट आएगा ANET का, तो वो आपको जेरोक्स कॉपी यहाँ पे जमा करना होगा। उसके बाद में आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है ANET का उसका जो रिसीविंग मिला है उसे आपको देना होगा। उसके बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट है दोस्तों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहाँ से आपने 12th पास किया होगा वहाँ से आपको कॉलेज से मिला होगा वही कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको जमा करना होता है। उसके बाद में आपके पास फोटोग्राफ्स होना चाहिए, लगभग 8 पीस फोटोग्राफ्स आपके पास होना चाहिए तो आप एडमिशन में दे सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो BSc नर्सिंग में जो एडमिशन लेने वाले हैं उन सारे लोग को देना होगा। जो भी लोग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले हैं तो उनको उसी तरह से आपको कॉलेज के द्वारा जो एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा उसे आपको भर करके जमा करना होगा। उसके बाद में आपको क्वालिफाइंग एग्जाम एंड सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए शो करना होगा, जिसमें आपको 10th का सर्टिफिकेट है वो दिखाना होगा। उसके बाद में आपका मार्कशीट है वो आपको दिखाना होगा, GNM कोर्स ने आपने किया है या फिर RN RM का कोर्स किया है तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जो भी है उसका मार्कशीट आपको दिखाना होगा। उसके बाद में आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, एक कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST OBC वाले को तो वो होना चाहिए, एक TC है वो होना चाहिए जिसको आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं या फिर CLC बोलते हैं, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है वो आपके एडमिशन के टाइम पे होना चाहिए। तो इसके अलावा आपके पास आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का जो भी एप्लीकेशन फॉर्म का रिसीविंग है वो आपके पास होना चाहिए, सेकेंडरी एग्जाम का मार्कशीट होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है 10th का जो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, इंटरमीडिएट और इसके इक्विवेलेंट में अगर कोई एग्जाम दिए हैं तो उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए दोस्तों। एक और है वो ट्रांसक्रिप्ट होता है नर्सिंग स्कूल का, तो ये आपको कॉलेज के द्वारा मिला होगा, नहीं मिला होगा तो आप एडमिशन के बाद इसे बनवा करके कॉलेज में जमा कर देना, क्योंकि इसके बिना भी एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारे कॉलेज होते हैं जहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बहुत सारे में आपको मांगा जाएगा, अगर मांगा जाएगा तो आप बाद में भी जमा कर देना, इसके बिना एडमिशन नहीं रुकेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद में आपको डिप्लोमा एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है GNM का वो देना होगा। उसके बाद आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा, अगर आप कहीं काम किए हैं ट्रेंड नर्स के रूप में तो आपको एक एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट बनता है वो आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद तो आपको एक NOC सर्टिफिकेट भी देना होगा, अगर आप कहीं काम पहले कर चुके हैं तो वहां से बनवा करके जमा करना होगा। इसके बाद में आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो जमा करना होगा,
और आपके पास फोटोग्राफ्स है वो होना चाहिए लगभग 8 से 10 के संख्या में, तो आपका एडमिशन है वो अच्छे से हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो एडमिशन में देने होंगे। दोस्तों एडमिट कार्ड है वो आपका लगभग 6 से 7 अक्टूबर के बीच में आ जाएगा। जैसे ही आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।